अस्सलाम वालेकुम। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। इसका मतलब है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट से फ़र्क होगी। हमें हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा। वेयर एज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे एक जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैस प्रोडक्शन में हो, मैस प्रोड्यूस हो रहे हो। एग्जाम्पल में हमने लिया था जैसे बॉटल्स बनती हैं एक जैसी बहुत सारी, टॉयज बनते हैं एक जैसे बहुत सारे, आपकी प्रिंटिंग होती है। तो मतलब एक ही किस्म का प्रोडक्ट जो है वो मैस प्रोड्यूस होना, जहाँ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट और दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है। जैसे अगर दो प्लास्टिक की बॉटल्स बनी है तो दोनों दोनों की सेम ही कॉस्ट है। आपको दोनों की कॉस्ट को अलग-अलग अलग-अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली, उसको दो पे डिवाइड कर दिया, आपको पता चल जाएगा एवरेज पे दोनों की कॉस्ट क्या है। वेयर एज जब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे तो वहाँ पे हमने जैसे ज्वेलरी की गोल्ड के सेट की बात की थी, तो दो गोल्ड के सेट की कॉस्ट जो है वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का डिज़ाइन फ़र्क है, दोनों का साइज़ फ़र्क है, दोनों का वेट फ़र्क है। उस तरह उनकी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी। वेयर एज प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे एक जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैस प्रोड्यूस हो रहे हो। ठीक है, तो हम इसको इस चैप्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग को देखेंगे। अच्छा, एक तो हम जो हमारा थोड़ा सा है कॉस्ट फ्लो जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कैसे थी और प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे होगी, वो ये कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपके पास सबसे पहले, आपको याद है हमने मटेरियल रिसीव करते थे, वो हमारे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आ जाता था। ठीक है, उसमें हम बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास पहले मौजूद होती है, उसके बाद आप डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस करते थे और उसके बाद वो बिगनिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड हो जाती थी। वहाँ से फिर वर्क इन प्रोसेस में जब आपका मैनेजर जो है वो मांगता था रिक्वायरमेंट फॉर्म्स के ज़रिए इन्वेंट्री मांगता था, तो आप रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से, डायरेक्ट मटेरियल से आप वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में लेकर आते थे, और डायरेक्ट लेबर को भी वर्क इन प्रोसेस में लेकर आते थे, और वहाँ से वर्क इन प्रोसेस से फिर आप उसको कंप्लीट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की फॉर्म में आप उसको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में ट्रांसफ़र करते थे, और फिनिश गुड इन्वेंट्री से वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र हो जाती थी। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट फ्लो था इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। क्या है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और फिनिश गुड इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। वेयर एज प्रोसेस कॉस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट एक पैटर्न यूज होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपके पास इसी तरह इनिशियली रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट है। ठीक है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आपके पास इनिशियली जो इन्वेंट्री कुछ पड़ी हुई है, प्लस आप करंट पीरियड में कुछ इन्वेंट्री को परचेज करेंगे, और उसके बाद उसी तरह रिक्वायरमेंट फॉर्म के साथ या जो प्रोडक्शन में जब जाएगा, तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग में जो काम होता है वो जनरली डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट वर्क इन प्रोसेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में बनता है। तो हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है और फिर उसको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेज देता है। तो जब क्या है, पहला डिपार्टमेंट जो है वो स्टोर से मटेरियल लेता है और उसको उस पे काम करता है, उस पे कन्वर्जन कॉस्ट लगाता है, और फिर उसको तैयार करके जो है वो डिपार्टमेंट टू को भेज देता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टू
में जब आपका प्रोडक्ट चला जाता है तो डिपार्टमेंट टू वाले भी जो है वो आप डिपार्टमेंट टू में जो कॉस्ट है वो दो किस्म की कॉस्ट है। एक वो जो आपको डिपार्टमेंट वन से कॉस्ट फॉरवर्ड हुई है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट, ठीक है। और फिर जो आप मटेरियल की कॉस्ट रॉ मटेरियल उससे लेते हो इन्वेंट्री से उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और फिर तीसरा जो लेबर और ओवरहेड्स हैं उनको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट टू से आपने इसमें कंप्लीट किया और फिर वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बन गई और वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो गई आपकी फिनिश गुड इन्वेंट्री में, और फिर उसी तरह फिनिश गुड इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में आप कॉस्ट को ट्रांसफर करते हो। हर डिपार्ट एक उस और हर डिपार्टमेंट में एक तो वो कॉस्ट होगी जो पिछले डिपार्टमेंट से आपकी आई है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट, और एक कॉस्ट वो होगी जो आपने उस डिपार्टमेंट में उस पे काम किया कन्वर्जन पे, जो कि जनरली लेबर और ओवरहेड कॉस्ट होती है। तो वो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगी। और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल, वो मटेरियल जो आपका आपने इन्वेंट्री से लिया। तो ये एक जनरल डिफरेंस है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के उसमें फ्लो में। आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे कि जब आप इसका एग्जैक्ट कॉस्ट फ्लो क्या होता है और कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग में हम करते क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ एवरेजिंग कॉस्ट ओवर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। एवरेजिंग कॉस्ट ओवर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या मतलब, ये कि अगर हमने 10 यूनिट बनाए हैं और टोटल हमारा 1,000 रुपये का खर्चा आया है, तो सिंपली हम बजाय के 10 यूनिट्स को इंडिविजुअली देखते रहे कि हर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई है, क्यों, क्योंकि वो 10 के 10 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, तो उन 10 की कॉस्ट अलग अलग निकालने के बजाय इट इज मोर इजियर एंड इक्वली यूजफुल कि आप टोटल की कॉस्ट निकालें और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब हमारी एग्जांपल में 1,000 कॉस्ट आई है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 10 सिंपली 100 पर यूनिट आपकी कॉस्ट निकल आई, ठीक है। ये क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो दोबारा देखें क्या कहता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ एवरेजिंग कॉस्ट ओवर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज नेसेसरी टू डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट ऑफ अ डिपार्टमेंट एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इसका मतलब है जब हम एवरेज पे यूनिट्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जब हम यूनिट्स ट्रांसफर आउट करते हैं, मतलब ये कि हमारी फैक्ट्री में जब काम हो रहा होता है तो साथ साथ कुछ यूनिट्स कंप्लीट होके ट्रांसफर आउट होते जाते हैं, कुछ यूनिट्स जो हैं वो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री में इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जिन पे अभी जो अभी कम्प्लीटली बने नहीं होते और उन्होंने अभी नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट होना होता है। तो जो जो करंट पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो अगले पीरियड की बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी। तो अब आपका जो ये टी अकाउंट देखें, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इन यूनिट्स, मतलब जब ये पीरियड शुरू हुआ था तो बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, मतलब कितने यूनिट्स थे जो पिछले पीरियड से इनकम्प्लीट थे और इस पीरियड में हमने कंप्लीट करने हैं, इसको हम कहते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। फिर उससे अगली चीज क्या होगी, यूनिट स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है कि कुछ पिछले इनकम्प्लीट यूनिट्स थे और कुछ हमने मजीद इस पीरियड में स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या होगा, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, मतलब वो यूनिट्स जो हमने कंप्लीट करके ट्रांसफर कर दिए अगले डिपार्टमेंट में या फिनिश गुड्स में भेज दिए, तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। और जैसा टी अकाउंट होता है आपका, टी अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं बिगर साइड माइनस स्मॉलर साइड,
बैलेंस ऑन द बिगर साइड, तो आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस यूनिट स्टार्टेड लेस यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, तो आपका बन जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये है इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इसके अगेंस्ट एक और टी अकाउंट होगा जो होगा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इन डॉलर्स। मतलब ये कि लेट्स से हमारे पास 10 बिगिनिंग इन्वेंट्री में 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं जो आपके कंप्लीट इनकम्प्लीट हैं। अब 10 यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं, अब जो यूनिट 1% कंप्लीट है वो भी इनकम्प्लीट है, जो 99% कंप्लीट है वो भी इनकम्प्लीट है। तो अब बेसिकली 10, ये ठीक है यूनिट्स तो वो 10 ही है, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि उन पे कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। मतलब एक यूनिट पे अगर 100 रुपये बनना था, 100 रुपये में उसने कंप्लीट होना था, तो अब तक उस पे कितने कितनी अमाउंट लग चुकी है। लेट्स से $80 लग चुके हैं, तो हमें पता है $80 लग चुके हैं, $20 मजीद लगेंगे तो ये कंप्लीट होगा। तो अब हमारे पास ये वर्क इन प्रोसेस का दो 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 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। एक तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स में वो कितने हैं, ऑन दी अदर हैंड उनके ऊपर अब तक कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। ये तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस में इन्वेंट्री डॉलर्स में, एक तो ये बिगनिंग इन्वेंट्री, मतलब वो इन्वेंट्री वो कॉस्ट जो इन यूनिट्स पे बिगनिंग यूनिट्स पे ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, प्लस इस पीरियड में हमने डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ किया है और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी हमें आई है। ठीक है, और इसी तरह फिर जो यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट हुए हैं उनकी क्या कॉस्ट थी, और एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास जो यूनिट्स बचे हैं उनकी क्या कॉस्ट होगी। अब हमारे पास जो यूनिट्स कितने स्टार्टिंग में कितने थे ये हमारे पास अवेलेबल है, हमने यूनिट स्टार्ट कितने किए ये इंफॉर्मेशन भी हमें पता है, हमने यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट कितने कर दिए हैं ये भी हमें पता है, एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं ये भी हमें पता है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में बिगनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी हमें पता है, डायरेक्ट मटेरियल हमने इस बार कितना लगाया है, कन्वर्जन कॉस्ट हमने कितनी लगाई है ये भी हमें पता है, लेकिन जो असल क्वेश्चन सब आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग में वो आपका ये होगा कि जो यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफ़र आउट किए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। क्यों? क्योंकि हमने जब अगले डिपार्टमेंट को यूनिट्स फॉरवर्ड करने हैं, चाहे कंप्लीट करके या जो भी अपने हमने डिपार्टमेंट में जो भी काम किया, अब बेसिकली हमने वो यूनिट्स को आगे भेजने से पहले बताना है कि ये इन पे अब तक कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। ठीक है, तो हमने वो कॉस्ट ट्रांसफ़र आउट करनी है, वो आगे भेजनी है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो यूनिट्स हमने कंप्लीट करके ट्रांसफ़र आउट कर दिए हैं उनकी क्या कॉस्ट है, और उसके बाद जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स बचे हैं उनकी क्या कॉस्ट है। आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन और चैलेंज रहेगा वो इन दो चीज़ों को कैलकुलेट करने का रहेगा। एक ये कि जो यूनिट्स हम ट्रांसफ़र आउट करते हैं उन पे कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड आउट पे कितनी हुई है, और जो एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स रह गए हैं उनकी क्या कॉस्ट है। ठीक है, अब जॉब कॉस्टिंग में तो हमारे पास अगर आपको याद हो तो जॉब कॉस्ट शीट होती थी, उस जॉब कॉस्ट शीट को या जॉब कॉस्ट रिकॉर्ड को देखते हुए हम बता देते थे कि जी यूनिट्स जो ये बने हैं ये इतने के बने हैं और जो रह गए हैं उनकी ये कॉस्ट है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है जी देखें सिंपल सी एग्जांपल है, वो कहता है रिकर को हैड डून कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट वन एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल 60,000 का, कन्वर्जन कॉस्ट 30,000 की, टोटल कॉस्ट है 90,000।
देर वर नो यूनिट्स इन बिगिनिंग और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इन जून. ड्यूरिंग जून डिपार्टमेंट वंस स्टार्टेड 45,000 यूनिट्स एंड ऑल 45,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड इन जून. व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा, अब ये उसने सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दी है कि एक फैक्ट्री में जब पीरियड शुरू हुआ था तो ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो थी. 45,000 यूनिट्स जो है वो स्टार्ट किए गए और 45,000 यूनिट्स ही कंप्लीट करके ट्रांसफर आउट कर दिए गए और एंडिंग इन्वेंट्री जीरो हो गई. ये है इन नंबर ऑफ यूनिट्स. लेकिन हमने कहा था साथ ही हमें नंबर ऑफ डॉलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए. तो अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स में जीरो थी तो डॉलर्स में भी जीरो होगी. अच्छा, इस पीरियड में 45,000 यूनिट स्टार्ट हुए, इस पीरियड में जो कॉस्ट इनकर हुई वो 90,000 थी. अब चूंकि तमाम 45,000 के 45,000 यूनिट्स ट्रांसफर आउट हो गए तो 90,000 की कॉस्ट जो है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री से निकली और एंडिंग बैलेंस जीरो हो गया. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इस पीरियड में कॉस्ट कितनी आई? 45,000. 90,000 सॉरी. इस पीरियड में यूनिट्स कितने बने? 45,000. इसका मतलब है सिंपली 90,000 डिवाइडेड बाय 45,000, $2 पर यूनिट जो है इस पीरियड में कॉस्ट आई है. ठीक है, अब ये हमारी सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी जीरो है, एंडिंग इन्वेंट्री भी जीरो है. इसका मतलब है जितने यूनिट स्टार्ट हुए उतने कंप्लीट हो गए. इसका मतलब है इस पीरियड में जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है, जिस जो ये 90,000 है वो किसकी है? इन 45,000 यूनिट्स की है. तो ये तो हमारा सिंपल केस हो गया. अब आगे जाके इसको देखें, जब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है फिर क्या होता है? जी, अब इसी में ही आपको कहता है कि जी सपोज इंस्टेड दैट 30,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड इन जून. पहले तो उसने कहा ना 45,000 यूनिट स्टार्टेड एंड 45,000 ही कंप्लीट हो गए, मतलब जितने शुरू किए उतने ही कंप्लीट हो गए. अब कहता है अच्छा देखो 30,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं, और अब कहता है कि कैन यू कंप्यूट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन पर यूनिट, इफ नॉट व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नीड. अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है बिगिनिंग इन्वेंट्री अभी भी जीरो हो गई, ठीक हो गया. आपने यूनिट्स जो स्टार्ट किए वो किए 45,000, 45,000 यूनिट स्टार्ट किए और 30,000 यूनिट्स कंप्लीट होके ट्रांसफर आउट हो गए, और एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स कितने बचे? 15,000. ठीक हो गया. इस पीरियड में जिस तरह हमने पहले कहा था, पीरियड में कॉस्ट इनकर हुई है 90,000 ही. ठीक है, अब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने स्टार्ट हुए? 45,000. यूनिट्स ट्रांसफर आउट हुए 30,000 और एंडिंग बैलेंस में कितने बचे? 15,000. अच्छा, इस पीरियड में बेसिकली हमने क्या किया है, 45,000 यूनिट स्टार्ट किए हैं जिसमें से 30,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं और 15,000 यूनिट्स हमारे इनकम्प्लीट रह गए हैं, और इस पीरियड में हमारी जो कॉस्ट इनकर हुई है वो 90,000 हुई है. अब सवाल ये है कि ये जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं ये हमने अगले डिपार्टमेंट में भेजने हैं. जब हमने अगले डिपार्टमेंट में भेजने हैं तो हमने बताना है कि इनकी कॉस्ट कितनी थी. अब वो कैसे कैलकुलेट की जाए इधर, क्योंकि बेसिकली हमने ये बताना है कि जो यूनिट्स ट्रांसफर आउट हुए हैं उनकी क्या कॉस्ट है, और जो यूनिट्स एंड मतलब ये 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है, और ये जो 15,000 यूनिट्स रह गए हैं ये इनकी क्या कॉस्ट है. क्यों? क्योंकि बेसिकली इस 90,000 से क्या हुआ है, इस 90,000 से 45,000 यूनिट स्टार्ट हुए थे जिसमें से 30,000 कंप्लीट हो गए हैं और 15,000 इनकम्प्लीट हो गए हैं, इनकम्प्लीट रह गए हैं. इसका मतलब है अब जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं इनकी कॉस्ट को कैसे निकाला जाए. तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो हम कहते हैं कि जी इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 90,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इज इक्वल टू 2 यूनिट, $2 पर यूनिट. क्या हम सिंपली 90,000 को 45,000 से डिवाइड कर दें तो $2 पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी?
इससे क्या होगा, $2 यूनिट पर यूनिट का कॉस्ट का मतलब ये है कि हर यूनिट $2 का है। अब इसका मतलब है आप इफेक्टिवली कह रहे हैं कि जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं वो भी $2 के हैं, और जो 15,000 इनकम्प्लीट रह गए हैं वो भी $2 के हैं। ऐसा होता है कि मतलब लेट से आपका एक प्रोडक्ट जो है वो ₹1,000 का बनता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट ₹1,000 का बनता है। अब एक प्रोडक्ट कंप्लीट है और एक प्रोडक्ट आधा बना हुआ है, 50% है, तो क्या दोनों की कॉस्ट ₹1,000 होगी? नहीं, जाहिरी बात है जो इनकम्प्लीट है उस पे ₹500 लगे होंगे और जो कंप्लीट है उस पे ₹1,000 लगा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो यूनिट, ये जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं इनकी कॉस्ट और जो 15,000 इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट तो बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला हमने निकाला कि भाई टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट स्टार्टेड पे डिवाइड कर दो, ये तो ये ठीक नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपकी कंप्लीट और इनकम्प्लीट यूनिट्स जो हैं उनकी कॉस्ट सेम आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, और क्या करें? कहता है इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स $3 पर यूनिट। आप क्या कह रहे हैं? कहता है अच्छा ठीक है, जो कंप्लीट नहीं हुए उनको इग्नोर करते हैं, जितनी कॉस्ट इनकर हुई है उनको 30,000 पे डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब है $3 पर यूनिट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उन पे $3 लगे हैं और जो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं उन उन पे कोई कॉस्ट नहीं आई। वो 15,000 यूनिट स्टार्ट तो हुए हैं ना, उन पे कुछ ना कुछ काम तो हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगी होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उनकी कॉस्ट जीरो है और जो बाकी सारे कॉस्ट, तो अगर तो उनकी कॉस्ट जीरो है इसका मतलब है उनको शुरू ही नहीं किया, वो तो बन ही नहीं रहे, तो फिर तो वो वर्क इन प्रोसेस में नहीं हुए। इसका मतलब है 15,000 यूनिट्स पे भी कोई ना कोई कॉस्ट इनकर हुई होगी और 30,000 यूनिट्स पे भी कोई ना कोई कॉस्ट इनकर हुई है। इसका मतलब है अगर $3 पर यूनिट हम कर दें, इसका मतलब है हर यूनिट जो है वो 30,000 का, $3 का नहीं है। इसका मतलब है हमें कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा इनकी कॉस्ट निकालने का, हमें ये फैसला करने के लिए कि ये जो 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर आउट हो रहे हैं इनकी क्या कॉस्ट है, ये जो 15,000 यूनिट्स रह गए हैं इनकी क्या कॉस्ट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कहते हैं नीदर ऑफ दीज कॉस्ट इज करेक्ट, दे बोथ असाइन द सेम कॉस्ट टू कंप्लीटेड यूनिट्स एज टू इनकम्प्लीट यूनिट्स। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट वी नीड टू नो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो अब जो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम ये कहते हैं कि ये 15,000 यूनिट्स क्या है इनकम्प्लीट है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इन ठीक है इनकम्प्लीट तो है लेकिन फिर भी इनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। आया ये 10% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्योंकि देखो ये वाले तो, ये यूनिट्स तो हमें पता है ये 100% कंप्लीट है, कितना 100% कंप्लीट है, लेकिन ये यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट हैं? क्यों? क्योंकि अब हमने कॉस्ट को जो डिवाइड करना है वो इस बेसिस पे डिवाइड करना है कि इनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। इसको हम आगे जाके देखते हैं। इन ऑर्डर टू वैल्यू पार्शियली कंप्लीट यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री वी मेजर यूनिट्स इन इक्विवेलेंट होल यूनिट्स रादर देन एक्चुअल यूनिट्स। अब क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। कहता है सपोज दैट 30,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड इन जून एंड द यूनिट्स इन
एंडिंग वर्क इन प्रोसेस वर 1/3 कंप्लीट, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब निकालनी है कॉस्ट। बेसिकली क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये जो 30,000 यूनिट्स हैं इनकी क्या कॉस्ट है, और इस ताकि हमें इनकी कॉस्ट क्यों निकालनी है, ताकि हमें पता लगे कि डॉलर्स में कितनी इन्वेंट्री ट्रांसफर आउट हो रही है। और दूसरी चीज ये निकालनी है, ये जो 15,000 की इन्वेंट्री हमारे पास बच गई है इनकी क्या कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ताकि जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में इन्वेंट्री बची है उन पे कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। अब मसला ये है कि 30,000 यूनिट्स जो हैं वो 100% कंप्लीट हैं, 15,000 यूनिट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, और अगर हमारे क्वेश्चन को देखा जाए तो उसमें उसने बताया हुआ है 1/3 कंप्लीट, विच मीन्स कि 33% कंप्लीट है। अब जब मैंने 90,000 को डिवाइड करना है तो मैं 30,000 प्लस 15,000 इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों ये दोनों डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे हैं। एक 100% कंप्लीट है, ये यूनिट्स 100% कंप्लीट है, ये यूनिट्स 33% कंप्लीट है। अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए 90,000 को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करना है, और वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो अब 30,000 और 15,000 है। लेकिन मसला ये है, ये और स्टेज है, ये और स्टेज है। अब जिस तरह आपको पता है ना कि जिस तरह अब हम ऐड कर सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या आप ऐड कर सकते हो 1 लीटर ऑफ वाटर प्लस 2 kg वीट, या 2 kg 2 kg आप सॉल्ट। अब 1 लीटर प्लस 2 kg ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका मेजरमेंट यूनिट ही फर्क है। क्या है? मेजरमेंट यूनिट ही फर्क है, इनकी इनकी टाइप ही फर्क है। अब ये दोनों डिफरेंट चीजें इनको ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह आपका ये 30,000 और ये 15,000 ये फर्क है, क्योंकि इनकी कंप्लीशन स्टेज फर्क है, इनको आप दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, या जिस तरह या इसको चलो जो मैंने आपने पहले एग्जांपल दी, टेम्परेचर की बात करें, एक टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, दूसरा है सेल्सियस डिग्री में। अब आप दोनों को क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट और मेजरमेंट यूनिट है, डिग्री सेल्सियस और मेजरमेंट यूनिट है, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, या फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके कर लें तो दोनों डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, या डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें तो दोनों फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अब हम क्या करें कि ये 30,000 यूनिट्स जो 100% कंप्लीट हैं और ये 15,000 यूनिट्स जो 33% कंप्लीट हैं, इन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। ये 15,000 यूनिट्स हैं जो कि 33% कंप्लीट हैं, 15,000 यूनिट्स हैं जो 33% कंप्लीट हैं, इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। इस इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर दो ग्लासेस आपके पास हो और दोनों के अंदर आधा आधा ग्लास पानी हो, दो ग्लासेस हैं आपके पास और उन दोनों में आधा आधा ग्लास पानी हो, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास
एक भरे हुए ग्लास जितना पानी है कह सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि उन दोनों में आधा आधा ग्लास पानी है, दोनों को ऐड कर लो तो बेसिकली एक भरे हुए ग्लास जितना पानी आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये जो 15,000 यूनिट्स हैं जो कि 33% कंप्लीट हैं, 15,000 यूनिट्स 33% कंप्लीट है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 15,000 यूनिट्स 5,000 कंप्लीट यूनिट्स के बराबर हैं? क्यों? क्योंकि 15,000 यूनिट्स पे सब पे 33% 33% 33% काम हो गया। इसका मतलब है सब पे 33% कॉस्ट लग गई, तो इसका मतलब है इन 15,000 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट इनकर हो गई है, इतना खर्चा हो गया है जितना 5,000 कंप्लीट यूनिट्स पे खर्चा होना था। क्यों? क्योंकि 33% कंप्लीट है ना 15,000 यूनिट्स। इसका मतलब है इन 15,000 यूनिट्स पे 5,000 यूनिट्स का खर्चा हो चुका है। इसका मतलब है ये 15,000 यूनिट्स इक्वलेंट है किसके? 5,000 कंप्लीट यूनिट्स के। ये 15,000 33% कंप्लीट यूनिट्स आर इक्वलेंट टू 5,000 यूनिट्स। इसका मतलब है अब क्या है, इस 90,000 से हमने क्या बनाया? इस 90,000 से हमने एक तो 30,000 कंप्लीट यूनिट्स बनाए और हमने 15,000 इनकम्प्लीट यूनिट्स बनाए जो के बन इक्वलेंट टू 5,000 कंप्लीट यूनिट्स बनते हैं। इसका मतलब है ये 5,000 और भी 100% कंप्लीट बनते हैं। हमने अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम किया है कि ये 15,000 यूनिट्स पे 5,000 कंप्लीट, क्योंकि उसने कहा ना 33% कंप्लीट है, तो 15,000 को जब 33% से मल्टीप्लाई करते हो या 15,000 को 1/3 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो 5,000 बनता है। इसका मतलब है 15,000 यूनिट्स जो कि 1/3 1/3 1/3 कंप्लीट हैं, अगर हम उनको अगर इक्वलेंट टू देखें तो बेसिकली 5,000 कंप्लीट यूनिट्स के बराबर बनते हैं ये 15,000 इनकम्प्लीट यूनिट्स। अब आप 30,000 और 15,000 को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये 5,000 इक्वलेंट टू कंप्लीट हैं, ठीक है? इसका मतलब है 30 + 5 35,000। इसका मतलब है इस 90,000 से क्या बना? इस 90,000 यूनिट से बने 35,000 यूनिट्स, 30 कंप्लीट एंड 5,000 इक्वलेंट टू कंप्लीट यूनिट्स। और अब आप इस 90,000 को 35,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो अब क्या है, द 15,000 यूनिट्स टेकन टू 1/3 कंप्लीशन आर काउंटेड एज 5,000 इक्विवेलेंट होल यूनिट्स और 5,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ईयूपी, ठीक है? अब क्या है, इस 90,000 से क्या बना है? द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000 प्लस 55,000, ठीक है? तो इक्वल यूनिट प्रोड्यूस की आपके 35,000 हो गए। 90,000 को जब 35,000 पे डिवाइड किया तो अब आपकी कॉस्ट क्या निकली? 2.57 डॉलर्स पर इक्वलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है 90,000 यूनिट से 35,000 इक्वलेंट यूनिट प्रोड्यूस बने, और जब उसको 35 पे डिवाइड करते हैं तो वो पर यूनिट कॉस्ट क्या निकल आती है? 2.57, ठीक है? इसका मतलब है कि अब ये जो 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर आउट हुए हैं वो किस रेट से हुए हैं? 2.57 से। और जो 5,000 यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं उन पे कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 2.57 मल्टीप्लाई बाय 5,000। तो वो कहता है सिंपली जो 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर आउट हुए हैं वो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.57143, ये
जो मतलब उस 90,000 में से जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, 77,143। इसका मतलब है इस पीरियड में जो 90,000 की कॉस्ट थी जो इनकर हुई थी उसमें से हमने 77,143 कॉस्ट एलोकेट कर दी कितनी, कंप्लीटेड यूनिट्स को, और जो बाकी बचेगी 90,000 माइनस 77,143 वो बनती है 12,857। ये कॉस्ट किसकी है, ये उन 15,000 यूनिट्स की है जो के इनकम्प्लीट रह गए हैं। और ये एक तो हमने इस तरह कैलकुलेट कर ली ना, 90,000 लेस 77,143, रिमेनिंग जो बैलेंस बचा है वो 12,857 है, और वो ऑब्वियसली वो इन 15,000 यूनिट्स का ही है। और अगर हम इस तरह नहीं भी कैलकुलेट करते तो ये 15,000 यूनिट्स कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स के इक्वल थे, 5,000 के, और पर यूनिट क्या कॉस्ट निकाल ली थी हमने, 2.5714। तो सिंपली 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2.57143 वो भी आपकी अमाउंट 12,857 ही बनेगी। तो बेसिकली इससे क्या हुआ, हमने इस 90,000 को जो इस पीरियड में 90,000 का खर्चा आया था उससे क्या बना था, 30,000 कंप्लीट यूनिट और 15,000 इनकम्प्लीट यूनिट। इसका मतलब है जो हमने अगले डिपार्टमेंट में भेज दिए वो 77,143 रुपए की कॉस्ट हमने आगे मतलब अगले वाले डिपार्टमेंट को भेजी या फिनिश करके भेज दिए। हमने कहा जी ये जो 30,000 यूनिट्स हम आपको भेज रहे हैं इनकी कॉस्ट कितनी है, 77,143 एट एन एवरेज ऑफ 2.57143। वेयर एज जो 15,000 इनकम्प्लीट यूनिट्स रह गए हैं इन पे जो अब तक कॉस्ट इनकर हुई है वो हुई है 12,857, और फिर अगले पीरियड में मजीद कॉस्ट इनकर होगी और ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगले पीरियड में हम वो बाद में वो एग्जांपल बाद में आएगी जहां पे आपके पास कुछ बिगिनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं और फिर उसके बाद आप कुछ नए यूनिट स्टार्ट करते हो, कुछ कंप्लीट हो जाते हैं और फिर एंडिंग इन और कुछ फिर एंडिंग इन्वेंट्री में रह जाते हैं। उसकी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे।